महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम वादे करने वाली योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा बखूबी कर रही है और योगी पुलिस तो इतनी सचेत है कि वो कभी भी किसी महिला की सुरक्षा पर आंच तक नहीं आने देती। ये कहना है खुद मुखिया योगी आदित्यनाथ का, लेकिन तमाम वादे तब खोखले हो गए जब जौनपुर की महिला ने मीडिया के सामने बयान दिया कि किस कदर थाने के SHO ने महिला के कपड़े फाड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। जी हाँ, ये पीड़ित महिला और उसका पति अपने किसी जमीन विवाद को लेकर पुलिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसके बाद पुलिस पीड़ित महिला और उसके पति को घर से जबरन उठा लाई, वो भी किसी महिला कांस्टेबल के बिना। महिला के पति को लॉकअप में बंद कर थाने के SHO ने महिला के साथ जबरदस्ती की। पीड़िता का आरोप है कि उनकी जमीन हत्याने में SHO का ही हाथ है। SHO साहब आए थे 4 बजे, मेरा नाम है आरती गुप्ता। SHO साहब आए थे 4 बजे भोर में हमारे घर पे, घर खाली कराने के लिए। मेरा घर है साहब, वहाँ पर तोड़फोड़ की है और मुझे भी घेरा के ले गए हैं, थाने पर लॉकर में बंद किए मेरे पति को, मुझे अपने रूम में रखे और कपड़ा सपड़ा फाड़े, बदतमीजी भी किए हैं और मुझे उनसे भी डर भी लग रहा है। क्या वजह थी, किस लिए आए थे? वो मेरा जमीन है, दूसरों को वहाँ कब्जा कराने के लिए आए थे। इसकी शिकायत आपने किसी बड़े अधिकारी से की? जी। किससे की थी, क्या कहें, क्या सोचें? कोई मेरा सुनवाई नहीं हुआ सर। कपड़े वगैरह कौन फाड़ रहा था? SHO साहब। तो क्या वजह थी इतनी रात? कोई वजह नहीं सी थी, उनसे विरोधी भी नहीं था मेरा, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। तभी मेरे घर पर आए, ऐसे उतापात किए और मारपीट भी किए और मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए और विरोधी पार्टी को अंदर भी घुसवा दिया और मेरा सामान वान सब फेंक दिए हैं साहब, और मेरे घर में दुकान भी खुलवा दिए हैं SHO साहब। थाना बक्सा का है SHO। ये बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और क्यों सबसे ज्यादा रेप और गैंगरेप के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं। योगी सरकार भले ही कितनी भी बैठकें कर ले, जब तक वो अपने पुलिस प्रशासन का सुधार नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का सुधार नहीं होगा। न्यूज़ डेस्क।